जानना चाहेंगे कि उल्लासनगर महानगर पालिका ने आपके पिताजी आपके पास बैठे हुए हैं लेकिन जो है मृतक घोषित किया गया है, क्या है पूरा मामला जानना चाहेंगे। जी हाँ, ये मैं एडवोकेट सुभाष खरा था। ऑलरेडी हम लोग ने कोर्ट पेंडिंग है इस प्रॉपर्टी के जो आप बैठे हैं, वो प्रॉपर्टी ब्लॉक नंबर A358 कुर्ला कैब उल्लासनगर 4। ये प्रॉपर्टी मेरे पिताजी लक्ष्मण धुंडू खरात के नाम पे है। इनके नाम पे प्रॉपर्टी कार्ड है, सनद है, टैक्स पावती है, लाइट बिल है, सब लीगली जो डॉक्यूमेंट है वो सब उनके नाम पे। आज का प्रॉपर्टी में ऐसा इशू कि मेरे जो चाचा लोग है नामदेव धुंडू खरात, उनका लड़का सचिन नामदेव खरात, उनकी माँ माया नामदेव खरात और उनके दूसरे चाचा है, उनकी चाची है, उसका नाम है उषा प्रभाकर खरात और उनके बच्चे, ये लोग है ना मिलके हम लोग को दमदाटी करके ये प्रॉपर्टी पे पोजीशन लेना चाहते हैं। ऑलरेडी ये हमारे उनके साथ रहते थे पहले से, लेकिन अभी कोर्ट में ये लोग ने मैटर डाला कि हमारे दादाजी की प्रॉपर्टी, लेकिन मेरे जो चाचा है मोहन धुंडू खरात, इन्होंने प्रोबेट के लिए डाला था लेकिन कोर्ट ने वो रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि दादाजी ने प्रॉपर्टी परचेस की नहीं है, ये प्रॉपर्टी लक्ष्मण धुंडू खरात इन्होंने परचेस की है। तो उसके पेपर 2000 में जो ऑर्डर पास हो गई थी कोर्ट से, तो उसमें कोर्ट में बोला था कि ये प्रोबेट है, विल बनाई है दादाजी ने, ये रिफ्यूज़ कर दी और सिर्फ देखरेख का अधिकार मोहन धुंडू खरात इनको दिया था, ये बाकी नामदेव खरात और उषा प्रभाकर इनको नहीं दिया था। तो उन्होंने क्या किया है, वही ऑर्डर को लेके नगर पालिका से मिलजुल करके खोटे दस्तावेज देके वो लोग ने अपने नाम पे 2020 में टैक्स पावती बना के लिए। जब लॉकडाउन का ये ख़त्म हो गया था उसी वक्त उनके पहले वो लोग ने प्रोसीजर चालू थी और वो लोग ने बना के लिया, ये हमको अभी पता चला। तो इसके बदले मैंने नगर पालिका में अप्रोच किया है कि साहब मेरे नाम पे टैक्स पावती है, इसके लिए मैंने आपको अर्जी भी दी है, नोटिस भेजी है, कमिश्नर को भेजी है, वार्ड ऑफिसर को भेजी है, टैक्स डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर को भेजे कि कोई तो भी गलत आदमी मेरे टैक्स पावती में अपना नाम चढ़ा रहा है तो इसके ऊपर आप वॉच करो और मुझे इंटीमेट करो, लेकिन ये लोग ने मेरे अर्जी का कोई यही नहीं किया। फिर हम लोग को पता चला कि ये लोग ने टैक्स पावती किया, जब नगर पालिका में मैं गया तो उन्होंने वो जो टैक्स पावती मैंने वहाँ से निकाली तो मुझे पता चला कि नामदेव धुंडू खरात के नाम से टैक्स पावती आ गई उधर। तो मैंने वो पूछा ये कैसे आ गई, तो मैंने उसके ऊपर अर्जी की नगर पालिका में, फिर मेरी हियरिंग बिठाई टैक्स डिपार्टमेंट में, सभी को मालूम है ये प्रॉपर्टी हमारी परचेस है, यहाँ के इंस्पेक्टर है भानुशाली साहब जो टैक्स इंस्पेक्टर है उल्लासनगर 4 के, उनके पास ये मैटर था, उन्होंने ये प्रॉपर्टी के बारे में सब डिटेल्स मालूम रह के भी उन्होंने ये प्रॉपर्टी में पैसे लेके अपने अधिकारी को देके ये लोग ने टैक्स पावती बनाई, ऐसा मुझे पता चला। उन्होंने कितने पैसे लिए ये भी पता चला, लेकिन इशू ऐसा है कि मैंने जब कोर्ट में ऑलरेडी मैटर पेंडिंग है, इनका पोजीशन का दावा मेरा 357/18 ये पेंडिंग रहते हुए भी नगर पालिका ने टैक्स में प्रियंका राजपूत करके मैडम है, इन्होंने ऑर्डर कर दिए और ऑर्डर इतनी गलत कर दिए कि पूरा कोई ऑर्डर पड़ेगा तो भी उससे ये नहीं, मैं आपको ऑर्डर भी बताता हूँ वहाँ की किए 23/5 में ऑर्डर में जो लिखा है पूरे पॉइंट्स गलत है। पहला पॉइंट्स लिखा है, जो पहला पॉइंट लिखा है उसमें बता रहे कि लक्ष्मण धुंडू खरात के नाम से है, ये ठीक है, लेकिन दूसरे पॉइंट में वही लिखे लक्ष्मण धुंडू खरात इनके मृत्यु पत्र, जो आदमी अभी हमारे सामने है इधर वो जिंदा है और ये लोग ने मृत्यु बता लिया ऑर्डर में। तो ये आदमी ये अभी आपके सामने, ये देखो ये मेरे पिताजी है, इनका नाम लक्ष्मण धुंडू खरात और इनका मृत्यु पत्र कहाँ से लाया है, किधर से पेपर बने हमको नहीं मालूम, लक्ष्मण धुंडू खरात। दूसरा दिया है दीवानी न्यायालय में जो मैटर चले 496, ये नाम का कोई मैटर नहीं है हमारा, ना उनका है ना हमारा है, ना मेरे चाचा ने कोई मैटर ऐसा डाला है, ना हमने हमारे केस में भी नहीं है। तीसरा जो ऑर्डर किया है लोग ने, तीसरे पॉइंट में लिखा है लोग ने त्यानुषंगा ने 357, और ये कोर्ट एक्सेप्ट भी करता है, टैक्स डिपार्टमेंट मैडम एक्सेप्ट भी करती है कि आपका मैटर पेंडिंग है। तीसरे पॉइंट में उन्होंने लिखा है कि 357/18 ये सेशन कोर्ट में पेंडिंग है मैटर, तब भी ये लोग ने ऑर्डर किया है, मतलब कोर्ट से भी ऊपर हो गई है नगर पालिका। इनको बताने के बाद, पेपर सबमिट करने के बाद और खुद एडमिट भी करती है ऑर्डर में, तब भी ऑर्डर करती है, मतलब नगर पालिका बड़ी हो गई कोर्ट से, ऐसा हो गया है। इसमें ऐसे कितने लोगों के ये लोग ने किए मैडम, ऐसे जिन कितने जन को लोगों के मैटर पेंडिंग रहने के बाद भी ऑर्डर कर रही है। इसके लिए मनपा आयुक्त से इसके बारे में कोई पत्र, मनपा आयुक्त को भी हमने लेटर लिखा है, उनसे भी परमिशन मांगी है कि मैडम ने जो ऑर्डर किया वो गलत है, लेकिन वो आयुक्त साहब भी उसमें कुछ नहीं कर रहे। अभी ये दो आयुक्त साहब इसमें चेंज हो गए, जब उन्होंने लेंगरेकर साहब से भी मैंने बात की थी, उन्होंने भी बोला था मेरे को अर्जी, तो मैंने उधर ही अर्जी दी, तब भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जिन जिन अधिकारियों को मैंने अर्जी दी वो कोई एक्शन ही नहीं ले रहे कुछ, क्योंकि उनको मालूम है सब मिली भगत हो गए, तो कौन किस पे एक्शन लेने तैयार ही नहीं। मैं कोर्ट में जाऊँ कि अभी इनके साथ क्या करूँ, अभी मेरे पिताजी को दूँ, अभी मेरी मांग के जो अधिकारियों ने ये टैक्स पावती बना के दिया है
उनके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई हो, जो मेरी टैक्स पावती है वो रद्द करके वापस जिसकी मेरे पिताजी के नाम पे थी वो करके दो, और जो भी जिन्होंने ये पेपर आपको खोटे दस्तावेज दिए उनके ऊपर कार्रवाई करो।